जय श्री राम राम सभी दोस्तों को। आज मैं आपको भारत के 10 प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में बताना जा रहा हूँ, जो कि सबसे प्रसिद्ध मंदिर हैं भारत के। और मंदिरों के बारे में बताने से पहले कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोग भूल जाते हो, कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। पहला मंदिर आता है जो कि वैष्णो देवी का मंदिर है, जो कि कटरा में स्थित है। माता वैष्णो देवी का मंदिर, यहाँ पे बहुत श्रद्धालु जाते हैं, जो कि विश्व में भी प्रसिद्ध मंदिर है। दूसरा है तिरुपति बालाजी का, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, और इस मंदिर की भी बहुत मान्यता है, यहाँ पे बालाजी विराजमान हैं। तीसरा मंदिर है काशी विश्वनाथ जी का मंदिर, जो मंदिर वाराणसी में स्थित है, और इसकी चर्चा बहुत तेज है और बहुत से श्रद्धालु यहाँ पे रोज जाते हैं। पांचवा मंदिर है वो जो है सोमनाथ मंदिर, जो कि गुजरात में स्थित है। ये भी मंदिर बहुत अच्छा मंदिर है। और छठा मंदिर है रामेश्वरम मंदिर, जो कि रामेश्वरम में स्थित है, जिसके पास में आपको राम सेतु भी मिलेगा, जो श्रीलंका तक जाता है, कहते हैं राम जी ने बनाया था। और सातवां जो मंदिर है वो सिद्धि विनायक जी का मंदिर है, जो मुंबई में स्थित है, जहाँ अंबानी वगैरह सारे एक्टर्स जाते रहते हैं। और ये मंदिर भी विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, इसे भी देखने दूर दूर से लोग आते हैं। आठवां मंदिर है ब्रह्मा जी का मंदिर, जो कि आपने सुना होगा पुष्कर में स्थित है, जहाँ पे लोग हाजी अली की दरगाह पर जाते हैं, बट उससे ज़्यादा कई लोग ब्रह्मा जी के मंदिर में जाते हैं, जो कि विश्व प्रसिद्ध है। और नवें नंबर पर द्वारिकाधीश मंदिर, जो कि गुजरात में स्थित है, समंदर किनारे नहीं कह सकते हम, ये कह सकते समंदर के बीच में है, थोड़ा सा समंदर से नाव से जाना पड़ता है। और दसवां है बद्रीनाथ मंदिर, जो कि चार धामों में आता है, जो कि मंदिर है, इसमें भी बहुत से श्रद्धालु जाते हैं, बैठन पड़ रही है जहाँ पे अभी।